हैरी पॉटर सीरीज यानी जेके रोलिंग का बनाया विजर्डिंग वर्ल्ड ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और इन डाई हार्ड फैंस की लिस्ट में हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहा। तो एक इंडियन पॉटर हेड होने के नाते हमारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हम इस सीरीज में से कुछ इंडियन कनेक्शन या इंडियन रेफरेंसेस ढूंढ सकें। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसे इंडियन रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा जो हमें हैरी पॉटर सीरीज में देखने को मिले, साथ ही उनको ब्रेक डाउन करूंगा। तो अपने हेडफोन्स तैयार रखो क्योंकि मैजिकल जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप विजिटिंग वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You're a wizard, Harry. नंबर 1, हैरी पॉटर एंड दी गोबलेट ऑफ फायर मूवी का 422 एडिशन वाला क्विडिच वर्ल्ड कप तो हम सभी को याद होगा। हाँ, वही जिसमें डेथ ईटर्स ने हमला कर दिया था। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उस सीन में इंडियन फ्लैग को मिस कर दिया होगा जब हैरी वीजली फैमिली और बाकी लोगों के साथ पोर्टकी की मदद से क्विडिच वर्ल्ड कप वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां हमें एक इंडियन विजिट के हाथों में इंडियन फ्लैग देखने को मिलता है। और एक फन फैक्ट, इस क्विडिच वर्ल्ड कप में इंडियन क्विडिच टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए थे। नंबर 2, चेंबर ऑफ द सीक्रेट में जब हैरी और ड्रैको की ड्यूल होती है तो उस ड्यूल के दौरान ड्रैको मैलफॉय स्नेक समन्स स्पेल का यूज करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इस स्पेल को इंडिया में ही ओरिजिनेट किया गया था। स्नेक समन्स स्पेल को 1987 में इंडिया में इन्वेंट किया गया था जिसके बाद इस स्पेल को इंटरनेशनली यूज किया जाने लगा। लेकिन इंडिया में जब कुछ विजर्ड्स पैसे कमाने के लिए इस स्पेल का यूज मगल्स के सामने करने लगे जहां वो स्नेक्स को अपने इशारों पर नचाते थे तो ये देखने के बाद इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने उन विजिट्स को इंटरनेशनल स्टैचू ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन करने के लिए सजा दी। नंबर 3, नगीनी का नाम सुनते ही कुछ लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे कि नगीनी तो इंडोनेशियन थी, तो उनको मैं कहना चाहूंगा रुको जरा, सबर करो। मुझे मालूम है नगीनी को हैरी पॉटर सीरीज में इंडोनेशियन बताया गया है लेकिन यहाँ पर जेके रोलिंग से एक मिस्टेक हुई है जिसको करेक्ट करते हुए अमरीश त्रिपाठी ने जेके रोलिंग को एक ट्वीट भी किया था। जब जेके रोलिंग ने ट्विटर पर रिवील किया कि नागा इंडोनेशियन मिथोलॉजी का एक स्नेक लाइक क्रिएचर होता है जैसे पंख वाले स्नेक, आदि ह्यूमन बॉडी वाले स्नेक और इसी तरह के और भी मैजिकल क्रिएचर्स, और नगीनी नाम और इस तरह के स्नेक की इंस्पिरेशन जेके रोलिंग को इंडोनेशियन मिथोलॉजी से ही मिली है जिसके बाद अमरीश त्रिपाठी ने जेके रोलिंग को करेक्ट करते हुए ट्वीट किया कि ये मिथोलॉजी हिंदू एम्पायर्स के थ्रू ही इंडोनेशिया गई है और नागा मिथोलॉजी इंडिया से बिलोंग करती है और नगीनी एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है इसीलिए इनडायरेक्टली नगीनी इंडिया से बिलोंग करती है जहाँ जेके रोलिंग ने नगीनी को इंडोनेशियन बताकर गलती करी है। नंबर 4, जहाँ पूरे वर्ल्ड की मैजिकल कम्युनिटी ट्रैवलिंग और क्विडिच खेलने के लिए ब्रूमस्टिक का इस्तेमाल करते हैं वहीं हैरी पॉटर विक्की और पॉटर मोर पर यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडिया में विजर्ड्स और विचेस ब्रूमस्टिक का बहुत ही कम इस्तेमाल करते थे क्योंकि इंडिया में ब्रूमस्टिक बहुत कम होती है इसीलिए इंडिया में ट्रैवलिंग और क्विडिच खेलने के लिए फ्लाइंग कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक ऐसा ही पोर्ट्रेट आपने भी हॉगवर्ट्स में देखा होगा जो देखने से तो किसी इंडियन का लगता है हालांकि इस पोर्ट्रेट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। नंबर 5, फिनिक्स हैरी पॉटर सीरीज का एक मैजिकल बीस्ट है जो कि इमोर्टल होते हैं और फिनिक्स को हमने हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट इन दोनों ही मूवीज में देखा था जहां हैरी पॉटर सीरीज में फिनिक्स डंबलडोर का पेट था और फिनिक्स और डंबलडोर फैमिली का एक बहुत बड़ा रिलेशन है जो कि हम फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में देख चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है रियल लाइफ और हैरी पॉटर सीरीज इन दोनों में ही फीनिक्स को इंडियन बीस्ट बताया गया है। पॉटर मोर पर यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि फीनिक्स इंडिया से बिलोंग करते हैं और ज्यादातर फीनिक्स को इंडिया, चाइना और इजिप्ट में देखा जाता है। नंबर 6, पार्वती पाटिल को हैरी पॉटर सीरीज में तो हम सभी ने देखा होगा। हाँ, ये वही है जो हैरी के साथ यू बॉल में गई थी। पार्वती एक इंडियन हेरिटेज की ब्रिटिश विच थी जो कि ग्रिफिंडोर हाउस में थी। पार्वती बिलोंग तो इंडिया से करती थी लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली ब्रिटेन में रहती थी इसीलिए पार्वती को किसी और विजिटिंग स्कूल की बजाय हॉगवर्ट्स से लेटर आया था। नंबर 7,
पद्मा और पार्वती पाटिल ये दोनों जुड़वा बहनें थी। जहाँ पार्वती हैरी के साथ यू बॉल में गई थी, वहीं पद्मा रॉन के साथ गई थी। हालांकि पद्मा को मूवी में ग्रिफिंडोर हाउस में दिखाया गया है, लेकिन बुक में पद्मा रेवनक्लॉ हाउस में थी। और इतना ही नहीं, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की अल्टरनेट टाइमलाइन में पद्मा रॉन की वाइफ भी रह चुकी है। नंबर 8, ऑकमी एक मैजिकल बीस्ट है जिसको हम फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम मूवी में देख चुके हैं, और ये बीस्ट कहीं और से नहीं बल्कि इंडिया से बिलोंग करता है। ऑकमी बहुत ही ब्यूटीफुल बीस्ट होते हैं जिनके एग प्योर सॉफ्ट सिल्वर के बने होते हैं। नंबर 9, कलेल एक इंडियन विलेज है जो कि कर्नाटका में है, और विजिटिंग वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये विलेज इंडियन मैजिकल कम्युनिटी का एक बहुत ही फेमस गाँव है, जिसके बारे में हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स मूवी में भी मेंशन किया गया है, जहां डेली प्रॉफिट में इस विलेज के वेदर के बारे में बताया गया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने हमारे चैनल पर हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की एक सीरीज शुरू करी है, अगर आप चाहते हो तो आप हमारी उस सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।